हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, एमटीएस जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, जैसे नेवी हो गया, अग्निवीर हो गया, तो मैं उससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन देने जा रहा हूँ। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यह चैनल आपको प्रतिदिन कोशिश करेगा, मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा आपको एक एटलीस्ट वन वीडियो अवेलेबल कराऊं। और आप जब भी किसी वीडियो को ओपन करें, आप शुरू से लेकर अंत तक उस वीडियो को वॉच करें, आप उसको रीड करें, आप और नोट्स कॉपी आप बनाएं, बिकॉज कि सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसका गुणनखंड, इसी को तोड़ के लिखना है गुणा के फॉर्म में। ये पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हमको इसमें से सही आंसर खोजना है, तो इसका आप आसान आइडिया से बना सकते हैं। आप जैसे x का पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 25, तो आप इसको आप ऐसे कर दें, आप ए स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस 2ab। तो आप देखिए, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab लिया, तो आपको आ गया 10x स्क्वायर, और है कितना एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखिए एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। तो आप हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए, हमेशा उसको तोड़ने का कोशिश करें, ए स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पर आप टर्म को माइनस में ही रखने का कोशिश करें। अब मैं आपको अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। यदि a बटा बी बराबर है c बटा डी, तो a रेशियो c किसके बराबर होगा? ये पहला ऑप्शन है b रेशियो c, दूसरा ऑप्शन है a रेशियो d है, तीसरा ऑप्शन है a प्लस बी रेशियो c प्लस d, चौथा ऑप्शन है a प्लस d रेशियो b प्लस c। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है a बटा बी और c बटा डी, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं 1/2 और 3/6, ऐसा नंबर मैंने 4 नंबर भिन्न भिन्न सेट किया, कहा कि ए बी सी डी सब अलग अलग है,
यहाँ पर ए का मान 1 रखते हैं, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 6। तो LHS हमारा जो है, LHS हमारा है a बटा c हो जाएगा 1/3। और आप ऑप्शन सी के साथ जाइए, RHS में हम इसको लेकर चलते हैं a+b और c+d। तो a और b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b+c+d है तो ये 6 × 3 9 हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा LHS बराबर क्या, तो हमारा ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आप इस तरह के कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा 4 संख्या लेना है, ऐसा सेटिंग करना है कि LHS बराबर क्या हो जाए RHS, और ABC का मान हम भिन्न भिन्न ऑप्शन बैठा के देखेंगे तो हम पाएंगे A ratio C इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन तीसरा बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा है 100 का स्क्वायर, और आजकल ऐसे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। 100 का स्क्वायर माइनस है 99 का स्क्वायर प्लस है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, इस तरह लास्ट में है +2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पहला ऑप्शन है 50 49, दूसरा है 50 50, तीसरा है 40 40, चौथा है 40 41। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप चैनल पर आइए और सारा मज़ेदार क्वेश्चन ही है चैनल पर, आप कमेंट करें, लाइक करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया एकदम सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर माइनस है 99 का स्क्वायर प्लस है 2 2 टर्म का हम एक ग्रुप बना लेते हैं, फार्मूला सेटिंग करना है a² - b² और है 99 का स्क्वायर माइनस है 98 का स्क्वायर, और इसी तरह आगे बढ़कर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये देखिए हो जाएगा a² - b² a+b, यहाँ हो जाएगा ये 100 प्लस 99, और 100 99 घटेगा तो 1 लिखाएगा, तो 1 का कोई रोल रहेगा नहीं। इसका ये सॉल्यूशन आया, इसका सॉल्यूशन आएगा 99 प्लस 98। इसी तरह से हम जाएंगे तो ये 2 प्लस, यहाँ इसको ध्यान से देखिए, अगर ब्रैकेट छोड़ देंगे तो 1 से लेके 100 तक, और हम लोग जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 से n तक का फार्मूला होता है n × n+1/2। तो ये 1 से लेकर 100 तक है, तो यहाँ n का मान आ जाएगा, n का मान 100 हो जाएगा, तो हमारा जो सम आ जाएगा 100 × 101/2, काहे कि यहाँ पर 100 आएगा तो 100 + 1 = 101। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 50, ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। तो अब हम लोग, अब मैं फिर आपको अगले वीडियो में फिर आपको बेहतरीन क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन से फिर आपको क्वेश्चन अवेलेबल कराकर आपको नए तरह का आपको मैं इंटरेस्ट डेवलप करूंगा। तो अब मैं अगले वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अपने दोस्तों में।
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।